है कि ये एक तो उगाव में अच्छा है, जर्मिनेशन अच्छा, जर्मिनेशन अच्छा है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। पिछली साल ही हमने किया था, 20-20 बीघा में मूंगफली बोते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ डूंगरगढ़ एरिया में और ये एक मूंगफली का हब है। ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मूंगफली बिजाई होती है और यहाँ के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे मूंगफली की A to Z कल्टीवेशन के बारे में, कब लगा सकते हैं, बीज उपचार कैसे, कौन सी दवा से करना चाहिए, इसके अलावा कितना प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो सारी जानकारी के लिए जो आज के हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सबसे पहले उनसे आपको परिचित करवा देते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो अपना नाम पता बता दो किसान भाइयों को। मेरा नाम पप्पू सिंह स्नोबाग सिंह राजपुरोहित, गांव भोजास, पोस्ट बेनीसर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर जी। मूंगफली की खेती कितने सालों से कर रहे हो आप? 15 सालों से। 15 सालों से। कौन सी वैरायटी ज़्यादातर लगाते हैं आप? सबसे पहले तो 10 नंबर और 20 नंबर का प्रयोग करते थे, ठीक है जी। उसके बाद में 510 वैरायटी लगाते हैं। फिर इसका फायदा ये है कि ये एक तो उगाव में अच्छा है, जर्मिनेशन अच्छा है, ठीक है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है, पिछली साल ही हमने किया था। हमारे 3 ट्यूबवेल है, 20-20 बीघा में हम मूंगफली बोते हैं और सभी में रिजल्ट अच्छा मिला हमको, ठीक है। इसी बार भी इसका बीज उगेंगे हम। तो आपको क्या फायदा नजर आया पिछले साल आपने यूज किया, उसका क्या कुछ आपको लगा? तो इसका उगाव अच्छा है, जर्मिनेशन अच्छा अच्छी है, ठीक है। बाकी ये सबसे अच्छी तो बात यह है, उससे ये ज्यादा रिजल्ट देता है, उत्पादन में भी फर्क रहता है, फर्क रहता है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मूंगफली बिजाई का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? बताए आका तीज से शुरू करते हैं मूंगफली की बिजाई, ठीक है। आखा तीज से 2-4 दिन पहले या बाद में? हाँ, पहले बाद में कर सकते हैं। और लगाने के कितनों दिनों बाद पहला पानी देते हैं अपने? 30 दिन के बाद में। अगर मूंगफली को आवश्यकता हो तो 25 दिन में लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा इसमें खरपतवार ना उगे, घास फूस ना हो, उसके लिए भी कोई दवाई वगैरह डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। वो कौन सी? वो पेंडा देव डालते हैं। पेंडा बिजाई के टाइम क्या? हाँ बिजाई के ऊपर डालते हैं, पानी के साथ में चला, ठीक है जी। मूंगफली की सीड रेट बीज दर कितनी रखते हैं आप? हम 40 से 45 किलो के बीच में रखते हैं एक बीघा में। हाँ एक बीघा में, बाकी हमने अपने समझ से कितनी भी घेर सकते हैं अपनी जमीन, पानी के अनुसार कितनी भी घेर सकते हैं। गुंटे के नीचे कितनी मूंगफली लग जाए? समथिंग 80-90। अच्छा मूंगफली अपनी कितनी हो जाती है इस एरिया में? यहाँ पे 12 क्विंटल से 13 क्विंटल 12-13 क्विंटल बिकेगी। और भाव क्या कुछ है अभी? भाव अभी तो 5,000-5,500 का है, 5,000 से 5,500 समथिंग, मतलब 5 से 6,000 के बीच में। और आपने क्या रेट बेची है पीछे? पीछे हमने 6,500 रुपए क्विंटल, ठीक है। बढ़िया पैदावार मानते हैं आप? बढ़िया उत्पादन के लिए। फिर कोई ऐसा खास चीज आप बताना चाहो किसानों को? खास चीज है 30 और 35 दिन के बीच में NPK 19 स्प्रे करनी है, उसकी स्प्रे, फोलियर स्प्रे, फोलियर स्प्रे, ठीक है। इसके अलावा जब अपना दाना विकास का टाइम हो तो 70 दिन के टाइम है 0-52-34 की, 0-52-34 वही फोलियर स्प्रे, फोलियर स्प्रे। कितना डोज रखते हैं उसका? 1 बीघे का 1 kg, 1 किलो 1 बीघे का, ठीक है जी। तो उससे बढ़िया मूंगफली बढ़ेगी, दाना पूरा भरेगा। मूंगफली के लास्ट में 0050 ये 3 स्प्रे जरूर करनी है, जरूरी करनी है, ठीक है जी।